हाजरीन सलाम अलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि कांग्रेस में इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए एक मुहिम चल रही है। राहुल गांधी ने अपने आप को अध्यक्ष पद से बहुत दूर रखा है, क्योंकि वो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं और वो उनका जो मेन इस वक्त टारगेट है वो यही है कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया जाए। अंदर खाना कांग्रेस में जो चल रहा है आजकल वो जग जाहिर है कि सीनियर और जूनियर जो उसमें चल रही है उसमें बहुत हद तक जो है राहुल गांधी की जो सपोर्ट है वो सीनियरों की नहीं है। उसी के चलते गुलाम नबी आज़ाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जतिन प्रसाद, ये सब लोग जो गए हैं वो कहीं ना कहीं इसी की एक कड़ी मानी जा रही है। और अभी भी गुलाम नबी आज़ाद के बाद भी काफ़ी लोग जो है कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि शशि थरूर जो हैं शायद कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं, वो भी अब उसको उनको लगता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शशि थरूर एक बड़ा नाम है, शशि थरूर बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता हैं, राज्यसभा वो लोकसभा के मेंबर भी रहते हैं और कांग्रेस की काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और कांग्रेस हाईकमान जो है जो मतलब अशोक गहलोत को चाहती है कि अशोक गहलोत राष्ट्र इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, मगर अशोक गहलोत जो हैं वो अपना राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते, कमलनाथ मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने अपने क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री हैं जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं वो इस वक्त कोई भी आदमी कांग्रेस अध्यक्ष बनना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत कठिन दौर से कांग्रेस गुजर रही है और कांग्रेस को इस वक्त ऐसे नौजवान नेताओं की, ऐसे कद्दावर नेताओं की ज़रूरत है जो कांग्रेस को आगे लाए। और उसी में राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो पद यात्राएँ भी करेंगे और वो जो ये पूरा मिशन है भारत जोड़ो कांग्रेस का, उसमें वो पूरी जी जान से अपने जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके साथी हैं, उनके साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त लगे हुए हैं। शशि थरूर अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो बिना कंट्रोवर्सी का चेहरा होगा बहुत क्योंकि शशि थरूर को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी जो है अपनी ख्याति प्राप्त है और वो जो शशि थरूर हैं काफ़ी जो हैं सुलझे हुए और पढ़े लिखे और सीनियर नेता हैं। देखना यह है कि अब क्या होता है, कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनता है और कौन कौन इसकी दौड़ में आता है, मगर इस वक्त राहुल गांधी ने अपने आप को इस दौड़ से अलग कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।